गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एकेडमी क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 सेकंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन देयर फॉलोइंग। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए 826 फ्रॉम -81। -81 में से किसको सब्ट्रैक्शन करना है? 826 को, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -81, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है? ये वाला, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं -81, ठीक है, माइनस ये वाली 826, ठीक है। ये वाला हमारा क्या इक्वेशन बनी, ठीक है। इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों क्या है माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड होने के लिए कितना हो जाएगा? 7 8 10 9 किसकी आएगी? माइनस। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 826 फ्रॉम -81, 81 में से -81 में से किसको सब्ट्रैक्शन करना है? 826 को, ठीक है। तो माइनस के 81 माइनस 826, तो माइनस माइनस दोनों वैल्यू माइनस की है तो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऐड होके क्या हो जाएगा? इनमें माइनस की दोनों को ऐड कर दो, ऐड लगाए फिर क्या करना है हमें? माइनस बाहर हो जाएगा और अंदर हमारा जो इसका टोटल होगा वो ये होगा और हमारा आंसर हो जाएगा 907। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है -316 फ्रॉम -418, ठीक है। -418 माइनस माइनस की 316, ठीक है। इन दोनों माइनस और इस माइनस के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। एक डिजिट प्लस की, एक माइनस की, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा? माइनस होगा। तो 180 माइनस 316 माइनस करोगे 201, कितना आएगा? माइनस की क्या बचेंगे? 102, जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सी वाला, कौन सा सी वाला जो है उसको सॉल्व करते हैं। सी वाला हमारा है 781 718 फ्रॉम -12, ठीक है। तो ये वाली डिजिट पहले लिखी है, सॉल्व करते हैं इसको। माइनस के 12 माइनस है ये वाला, ठीक है। माइनस 12 और माइनस 718, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ऐड कर दो, 8 और 2 10 1 1 1 2 2 और 1 3 3 और 7, इसका माइनस का ये क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। डी वाला देखते हैं।
ये वाला हमारा है माइनस के 63 एंड 123, ठीक है। 123 माइनस क्या करना है, माइनस के 63, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनी, क्या 123 में से किसको माइनस करना है, माइनस के 63 को, ठीक है। तो ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा 63, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 3 6 6 और 2 8 और 1, किसका प्लस का, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार आगे के जो आगे क्वेश्चन है, तो जो एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आप खुद स्वयं अपने विवेक से सोल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन बना के, ठीक है।